हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज आपका कुकिंग विद सैर सैयद में। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि देखिए आप कितना बढ़िया डिलिशियस माउथ वाटरिंग है। बिना ओवन, बिना किसी गैस के हमने ये केक बनाया है रेफ्रिजरेट करके। तो आप देखिए मैंने कैसे बनाया है चीज़ केक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है ये। और घर में हम इजीली इसको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बना सकते हैं। मार्केट में ये एक ही पीस हमारा बहुत कॉस्टली मिलता है। तो देखिए आप कैसे मैंने बनाया है। तो यहाँ पे क्रीम चीज़ बनाने के लिए हमने कुछ बिस्किट्स लिए हैं, इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। न्यूट्रेला बिस्किट है ये, तो इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करके इसका एक बारीक चूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स, हमने थोड़ा सा बटर मेल्ट करा है और यहाँ पर हमने 2 पैकेट न्यूट्रेला के लिए थे, इसको हमने मिक्सर में, तो यहाँ पर हम इसको बटर को इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने केक के सांचे के अंदर नीचे फॉइल लगा दी थी, या फिर बटर पेपर आप कुछ भी लगा सकते हैं। हमने फॉइल पेपर लगा के और फिर इस टाइप से हमने बिस्किट का जो बटर के साथ हमने मिक्स करा था, तो उसको हम यहाँ पर पूरा टैप करके इस टाइप से ऐसे लगाते जाएंगे पूरा इसके ऊपर। तो आप देखिए इस तरह से आप पूरा उसको स्प्रेड कर दीजिए और अच्छी तरह से टैप करके इसे हमें पूरा दबाना है। ग्राम्स के करीब, और इसमें हम 3 टेबलस्पून जो है पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे दोनों को। तो इसको हमने अच्छी तरीके से बीट करके, शुगर और क्रीम को हमने बीट करके, देखिए आप इस तरह से एक हमें बैटर इसका तैयार करना है। तो यहाँ पर हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको हम बीटर से व्हिप करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे व्हिप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये क्रीम व्हिप कर लिए। अब हम इसको क्रीम चीज वाले मिक्सर को इसमें ऐड करके दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हम स्पैचुला के हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये हमारा चीज़ और क्रीम दोनों मिक्स हो गया है। अब हम इसको अपने केक के सांचे के ऊपर सेट करेंगे। तो ये जो बिस्किट का क्रश हमने सेट करा था केक के सांचे में, उसके ऊपर हम क्रीम को सेट करेंगे। तो देखिए आपने, हमने ये क्रीम इसके ऊपर सेट कर दी है और अब हम इसको 8 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये रेफ्रिजरेट करने के बाद, हमने इसको 8 आवर्स रेफ्रिजरेट करने के बाद ये हमने इसको अब अनफोल्ड करेंगे। तो आपको इस टाइप से जो केक का टिन आते हैं वो लेने, जो कि आप रिमूव कर सकें इजीली साइड से, ओपनेबल वाले। तो यहाँ हम धीरे से इसको रिमूव करेंगे। तो बहुत धीरे से आपको ये फॉइल की कवरिंग को रिमूव करना है। प्लास्टिक कवरिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप बढ़िया सा हमारा चीज़ केक ये रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप पहले ही हम इसको इस टाइप से स्ट्रॉबेरी का पल्प या फिर हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी क्रश करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा केक नहीं यूज़ करना है। तो इसलिए अभी हम सिर्फ आपको एक स्लाइस डेकोरेट करना दिखाएंगे। और अगर आपको पूरा केक डेकोरेट करना है तो इस तरह से आप स्ट्रॉबेरी स्क्वैश है या फिर फ्रेश स्ट्रॉबेरी को आप मिक्सर में टर्न करके उसको आप एक बार उसको भी ऊपर से डाल के फिर आप रेफ्रिजरेट करेंगे और फिर आप उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक पीस कट कर रहे हैं। तो देखिए आप, ये इस टाइप से हमने पीस कट कर लिया है। कट करना तो इसको काफ़ी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो इस पर सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी पल्प डालेंगे। तो ये देखिए आप, हमने स्ट्रॉबेरी का पल्प डाला है। अदरवाइज आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी आप मिक्सर में टर्न करके डाल सकते हैं। अब इसको हम चॉकलेट गनाश से डेकोरेट करेंगे, चॉकलेट सॉस, जैसे कि मैंने आपको पहले चॉकलेट केक्स में बताया है बनाना।
देखिए आप कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है ये, बहुत ही मज़ेदार है ये, बहुत ही माउथ वाटरिंग। आप इसको